नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बिहार समेत देश के 9 राज्यों में बाढ़ से तबाही, लाखों लोग प्रभावित, 100 से ज्यादा लोगों की मौत। आतंकवादियों को आर्थिक मदद देने के मामले में NIA ने कश्मीर में 12 जगह पर छापा मारा। IIT खड़गपुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की लिफ्ट गिरने से 3 मजदूरों की मौत। कांग्रेस का आरोप, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता से जुड़े कंसर्ट के टिकट बेच रही है महाराष्ट्र पुलिस। पाकिस्तानी सेना ने फिर तोड़ा संघर्ष विराम, जम्मू कश्मीर के पुंछ में गोलाबारी। मॉर्गन स्टैनले ने अपनी रिपोर्ट में कहा, आने वाले समय में भारत में बढ़ सकती है महंगाई। पश्चिमी अफ्रीकी देश सियेरा लियोन की राजधानी फ्री टाउन के बाहरी इलाकों में भूस्खलन में 400 लोगों की मौत। देश में मेट्रो के विस्तार के मद्देनजर सरकार ने दी नई मेट्रो नीति को मंजूरी। राहुल गांधी ने बेंगलुरु में किया इंदिरा कैंटीन का उद्घाटन, 10 रुपए में मिलेगा शाकाहारी भोजन। मुलायम सिंह यादव ने कहा, पाकिस्तान के साथ मिलकर युद्ध की तैयारी में लगा है चीन। अमेरिका ने कहा, उत्तर कोरिया के पास है मिसाइल इंजन बनाने की क्षमता। वियतनाम में भ्रष्टाचार में लिप्त वाणिज्य उप मंत्री किम थोआ बर्खास्त। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।